एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लीड कोड का एक और प्रॉब्लम देखेंगे जो कि है टू सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नया है या जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जिन लोगों को मेरे क्वेश्चंस का या तो कोड चाहिए होता है तो मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड जिनको इन सारे वीडियोस का शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली क्या कह रही है। अब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है कि हमको एक एरे ऑफ नंबर्स दिए हुए एंड हमको एक और नंबर मिलेगा। अभी हमें इसे एरे ऑफ नंबर्स में से ना दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो इस नंबर के बराबर हो। एंड हमें वो नंबर्स नहीं, हमें नंबर का इंडेक्स भेजना है। तो क्या बोल रहे हैं, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड अन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अभी इसका है कि मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो अब अगर मान लो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास है 1, 5, 2, 3, 9 and 7 एंड मैंने आपको जो दे रखा है वो है टारगेट 14। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर क्या है, ये अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्सेस है। तो आंसर क्या होगा, 1 and 4 या 4 और 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1, 4 या 4, 1 दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। अब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, सोचना कि आपके दिमाग में क्या सोल्यूशन आता है एकदम इस चीज को सुन के। हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे हम उसमें आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करो एंड सोचो कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है। ठीक है, तो काफी बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हम एक काम करते हैं, हर पॉसिबल पेयर निकाल लेते हैं एंड हर पॉसिबल पेयर का सम निकाल के देख लेते हैं। अगर मान लो वो 14 आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे देखते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, पहले जैसे आपने पहले 1 को फिक्स कर दिया, आपने 1 को 5 के साथ देखा, फिर 1 को 2 के साथ देखा, 1 को 3, 1 को 9, 1 को 7 सबके साथ देखा, किसी के साथ नहीं बात बनी। फिर आपने 5 को किसके साथ देखा, 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 9 के साथ, 5 को 7 के साथ, अभी सबके साथ देखा। लेकिन आप 5 को 9 की वजह से देखोगे तो सही हो जाएगा ना, आप अपना आंसर प्रिंट करा दोगे, करेक्ट। अभी इसमें ये देखना कि हम 5 को 1 के साथ नहीं देखेंगे क्योंकि हमने 1 को 5 में तो ऑलरेडी देख लिया था। तो सबसे पहला ये अप्रोच आया कि मैं सारे अपने पेयर्स निकाल लेती हूँ कि क्या क्या पेयर्स पॉसिबल है, सबके सम निकाल के देख लेते हैं, जिसमें सम बैठ गया वो बढ़िया, नहीं तो फिर आगे करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इसमें हमारी इसमें हम कैसे चलाएंगे, पहले एक फॉर लूप होगा, ये देखो पहले एक फॉर लूप होगा जिसमें सबसे पहला नंबर सेट करेंगे और फिर दूसरा फॉर लूप होगा जो उसके आगे वाला नंबर जो सेकेंड नंबर को सेट करेगा। हमने देखा कि अगर मेरा टारगेट के इक्वलेंट आ गया तो बढ़िया, रिजल्ट में आंसर डाला, रिटर्न कर दिया रिजल्ट, नहीं तो आगे हम चलते रहे। सबसे बेसिक ही आती है अप्रोच, ठीक है। अब इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि हम दो बार फॉर लूप चला रहे हैं, पूरे पे चला रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ली नहीं है, जितनी भी ली है कॉन्स्टेंट ही ली है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। ये तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है। अब एक और काम करते हैं, वापस वीडियो पॉज करो और वापस सोचो कि हम इसको और कैसे एक बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों ने सोचा होगा, अब हम इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके में कुछ नहीं है, एक बात बताओ, अगर ये जो मेरा एरे है अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, मतलब 1, 2, 3, 5, 7 और 9 और बोलूं अब बताओ। अभी आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने एक सिमिलर प्रॉब्लम पहले भी कर ली है। इसमें बेसिकली क्या है, जब मेरे पास सॉर्ट हुआ हुआ है मैं एक काम करती हूँ, इसका और इसका सम देखती हूँ क्या आया 10। अब अगर मेरे सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का सम क्या है 10, तो अब अगर मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए, अब देखो मेरा टारगेट नंबर 10 से बड़ा है ना, तो देखो 9 से बड़े तो मैं किसी नंबर पे जा नहीं सकती, मतलब मैं 1 से आगे इसको लेके जाऊंगी क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा है ना। तो नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, 2 और 9 को। अब 2 और 9 क्या है, 2 और 9 का सम हो गया 11, अभी भी 11 जो है मेरे 14 से छोटा है, तो मैंने इसको एक और आगे लेके गई। अब क्या है, 3 और 9 का सम क्या है, 12
12 के बीच जो सम है वो हमारे 14 से हमारे टारगेट से कम है, तो हम एक और आगे जाते हैं। अब हम आ गए इस पे जो कि है 5। अब 5 और 9 का क्या होगा, 14, मतलब आपको आपका आंसर मिल गया, करेक्ट। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या मांगा है, इंडाइसेस मांगे हैं, आपको इंडेक्स भेजना है आरे का। अगर आप ऐसे डायरेक्टली सॉर्ट कर दोगे तो इंडेक्स तो सारे चेंज हो गए ना, इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 3 और 5, जबकि आपका आंसर क्या था, आपका आंसर था 1 और 4। तो थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से करेंगे, हम इसमें अपने खुद से एक सॉर्टिंग, हम खुद की एक सॉर्टिंग बनाकर उस अकॉर्डिंग करेंगे, हम एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बना के उस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी ठीक है, आपने इसमें ऐसे कर दिया कि आप इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाते जा रहे हो, इस वाले पॉइंटर को कब बढ़ाएंगे। अभी इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसमें बोलते हैं कि सपोज करो ये होता 8 और मेरे को ना टारगेट समझिए 12 का, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले जो हम होते, सबसे पहले हम होते 1 और 8 पे, 1 और 8 क्या है 9, 9 जो है छोटा है तो मैं चली गई 2 पे, 2 और 8 क्या है 10, 10 भी छोटा है तो मैं चली गई 3 पे, 3 और 8 क्या है 11, 11 भी छोटा है तो मैं चली गई 5 पे। अब 5 और 8 क्या है 13, 13 जो है टारगेट से बड़ा है तो मैं इस वाले पॉइंटर को नीचे डिक्रीमेंट करूंगी तो मैं आ गई 7 पे। अब 5 + 7 क्या हो गया 12। अब अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना गलती से कि जो आपका पहला पॉइंटर 1 है और जो पॉइंटर 2 है, या तो ये मतलब कि देखो अभी हमारे पूरे में कैसे चल रहा है कि आगे की तरफ पॉइंटर 1 है, पीछे की तरफ पॉइंटर 2 है। अगर किसी भी सिनेरियो में ऐसा आ जाए ना कि आपका पॉइंटर 2 आपके पॉइंटर 1 से आगे हो गया, तो मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप वहीं की वहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो ये था दूसरा। अब देखते हैं हम ये जो मैं अभी आपको सॉर्ट बता रही हूँ कि हम खुद से करेंगे कैसे करेंगे। अभी देखो इसमें हमने क्या करा, इसमें मैंने ना एक पेयर ले लिया, पेयर में क्या है मेरा, पेयर में मैंने एक ले लिया इंडेक्स और इंडेक्स के ऊपर वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने एक अपनी क्लास बना ली पेयर जो, अब मैंने यहाँ पे एक अपना कंपैरेटर लिखा है खुद। अभी जिन लोग को ऐसे नहीं लिखना आता है, जिनको इसमें डाउट है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कर क्या रहा है। हमने यहाँ पे खुद का एक कंपैरेटर इंप्लीमेंट करा है जो कि हम आगे यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास क्या आया था, एक नंबर का आर्या आया था, एक टारगेट इंटीजर आया था। अब रिजल्ट वही मेरे दो इंडेक्सेस का मेरा आर्या है इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मैंने ये पेयर टाइप का आर्य बना लिया जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, इस नम वाले आर्य को इस पेयर आर्य में कन्वर्ट करूंगी। उसमें बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने जैसे सपोज मेरा क्या था 1, 2, जैसे था मेरा 1, 2, 5, 3, 9 और 7 ये था ना, और एक और कुछ था सपोज 8 था जो भी था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इसमें स्टोर कैसे करूंगी, 8 और 0 को एक पेयर ऐसे होगा, 8 और 0 एक पेयर, फिर 1 और 1 एक पेयर, फिर 2 और 2 एक पेयर, 5 और 3 एक पेयर, 3 और 4 एक पेयर, 9 और 5 एक पेयर और 7 और 6 एक पेयर। ऐसा मैंने कि एरे बना लिया है। अब आप इधर देखोगे तो क्या हो रहा है, मैं क्या इसमें क्या स्टोर करती जा रही हूँ, नंबर और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा था ना अपना खुद का कंपैरेटर, इसको यहाँ पे मैंने यूज करा और उसको सॉर्ट लगा दिया। अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स नहीं आया समझ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगी कि हम खुद से कैसे कंपैरेटर इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये वाला इंटरफेस होता क्या है, इन जनरल मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक वीडियो बना दूंगी, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना #codemyquestion के साथ। अब क्या करेंगे, अब सिंपली जैसे मेरे पास ये आ गया है ना, अब मैंने देखो सॉर्ट में कैसे लगाया था, p1.value - p2.value, वैल्यू क्या थी, जो मेरी ये वैल्यू है, माने जो मेरा इंडेक्स यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू पड़ी है इंडेक्स पे वो। तो अब ये कंपैरेटर क्या करेगा, इस वैल्यू के बेसिस पे ना इसको सॉर्ट कर देगा। तो लास्ट में पता है मेरे पास कैसे आएगा, जब ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट कर देगा ना कंपाइलर, तो मेरे पास कैसे आएगा, सबसे पहले आएगा 1, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 3, 4, फिर आएगा 5, 3, फिर आएगा 7, 6, फिर आएगा 8, 0 और फिर आएगा 9, 5। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ना तो कुछ ऐसा आएगा मेरे पास। अब वही क्या है,
जो मैंने ऊपर बताया था कि हम दो पॉइंटर ले लिए, एक स्टार्टिंग से जाएगा, एक एंडिंग से जाएगा, दोनों में हम चेक कराते रहे। देखो क्या है, अगर मेरे जो पेयर है ठीक है, अगर उसकी देखो आई और जे यहाँ पे मेरे पॉइंटर है, सबसे पहले वाला पॉइंटर है, सबसे लास्ट वाला पॉइंटर। अब मैंने कब तक चलाना है, जब तक मेरा पहले वाला पॉइंटर छोटा है मेरे आखिरी वाले पॉइंटर से। अब आप बोलोगे यार दीदी आपने इसमें इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, ऊपर आप देख रहे थे उसमें एक चीज लिखी थी कि आप एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हो, ठीक है करेक्ट। तो इक्वल टू की जरूरत नहीं, अगर इक्वल टू होगा मतलब मैं किसी एक इंडेक्स के नंबर को दो बार यूज कर रही हूँ, तो इक्वल टू लगाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला, अब मेरे पॉइंटर वन माने इस वाले पे और इस वाले, इनकी अगर मैं वैल्यू को ऐड करूं, अगर वो टारगेट ही के इक्वल होता है, मतलब मुझे जो मेरा रिजल्ट है वो मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगी, रिजल्ट के जीरो में एक पहले वाले का इंडेक्स डाल दूंगी, इसमें दूसरे का इंडेक्स डाल दूंगी और ब्रेक कर दूंगी, मेरा आंसर मिल गया। लेकिन अगर जो है इसकी वैल्यू कम है, कम है तो फिर मैं अपने पहले वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगी, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो मैं अपने दूसरे वाले पॉइंटर को पीछे को बढ़ा दूंगी, एंड अकॉर्डिंगली मैं ऐसे करती जाऊंगी, कब तक, जब तक या तो मेरे को मेरा टारगेट नहीं मिल जाता या फिर मेरा पॉइंटर वन पॉइंटर टू से पहले है, तब तक हमें करते रहेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड अप्रोच। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें देखो मैंने सॉर्टिंग लगाई है करेक्ट, सॉर्टिंग लगाने में एन लॉग एन तो लगता ही है, मोस्ट एफिशिएंट अगर आप लेके चलोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन तो लगेगा ही लगेगा। प्लस इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ये लिया है, पेयर का एरे लिया है, तो मेरी ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर आपके दिमाग में डाउट है कि दी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लगता है क्यों है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, जिसमें मैंने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिटेल में उनको मैंने उनका कंपैरिजन करा हुआ है कि कैसे क्यों कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम कब यूज करना चाहिए, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, वो सब आपको ऊपर मैं आई कार्ड में लिंक डाल दूंगी, उसको देख लेना, उससे आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं यार, अभी भी ना इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी वीडियो वापस पॉज करो एंड वापस सोचो कि हम इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। चलो फिर अब हम चलते हैं इसके थर्ड अप्रोच की तरफ, ठीक है। थर्ड अप्रोच में क्या है, अब हम ऐसे सोचते हैं कि देखो हमें कंप्यूटर को बेसिकली अपनी तरह सोचवाना है ना, कि ठीक है जैसे हमारा दिमाग सोचता है वैसे आप सोचो। तो जब मैं आपको सेम प्रॉब्लम देती हूँ, तो देखो हमारा देखो दिमाग देखो कैसे काम करता है, उसको तो एक एरे मिला, उसने वन ढूंढा, बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग क्या करेगा, 14 माइनस वन करेगा 13, क्या 13 है, नहीं है। फिर अगर 2 देखा उसने, वो करेगा 14 माइनस 2 12, क्या 12 है, नहीं है। पूरे में देखेगा क्या 12 है, नहीं है। फिर उसने करा 15 माइनस 14 माइनस 5 करा 9, उसने देखा 9, अरे 9 तो है, मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम चीज बोलते हैं कंप्यूटर, हम सेम चीज अब कंप्यूटर से करवाएंगे, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या बोला, अभी देखो जो मैं इसमें वापस ऊपर चलते हैं और देखते हैं, जो मैं ऊपर देख रही थी ना क्या यहाँ पे है क्या नहीं है, आपके दिमाग में कोई डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है जिसके थ्रू हम बहुत कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चेक करा सकते हैं कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, हैश मैप या हैश सेट, हैश मैप या हैश सेट, हम इससे पता करा सकते हैं ना कि नंबर है कि नहीं है। अब देखो अगर यहाँ बात होती कि मुझे सिर्फ दो नंबर्स भेजने हैं जिनका सम आके मेरा हो मतलब मेरा टारगेट बन जाए, तो मैं यहाँ पे हैश सेट यूज कर सकती थी, बट मेरे को नंबर नहीं भेजना है, मेरे को क्या भेजना है, मेरे को ये इंडेक्स भेजना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे हैश टेबल को, देखते हैं कैसे। मैंने ना अभी देखो यहाँ पे क्या करा, मैंने हैश में यहाँ पे हैश टेबल ले लिया है एंड इसमें मतलब दोनों आप यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक हैश मैप ले लिया है, मैं हैश मैप में क्या करूंगी, सारे नंबर और उनके इंडेक्स स्टोर करा दूंगी। हमने ऊपर क्या करा था, हमने एक पेयर का आरे लिया था और मैंने उस पेयर के मतलब उस पेयर के आरे के हर एलिमेंट में क्या था, नंबर और उसका इंडेक्स। सेम चीज मैंने हैश मैप में करी है, मैंने इसके अंदर पुट करा दिया कि भाई नंबर और नंबर का जो इंडेक्स है वो जाके स्टोर हो जाओ। अब मेरे पास कैसा होगा, यहाँ पे मेरे पास एक हैश मैप आ जाएगा, हैश मैप में कैसे होगा, 8 0 1
1, 2, 2, 5, 3, 8, 4, 9, 5, कुछ और ले लेते हैं 7, 6, ये हो गया। ऐसा ना मेरे पास अब एक हैश मैप बनकर आ गया है, ठीक है। अब इस हैश मैप को यूज करके ना हम फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे सब कुछ स्टोर करा लिया, इसने कितना लिया मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लिया, करेक्ट। अब देखते हैं बाकी से हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या है इसमें, मैंने इसमें क्या करा, मैं अब इस जो मेरे पास आ रहे था ना ये 8, 1, 2, 5, 8, 9, 7, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, चलो ठीक है, वो ऐसे स्टोर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हैश मैप है। तो अभी देखो इसमें क्या है, अब मैं इस आरे के ऊपर चलूंगी, मैं बोलूंगी 8 है ना, तो ना एक काम करो टारगेट में से मेरे नंबर को माइनस करो, मतलब 14 में से 8 को माइनस करो, और यार जरा पता करना जरा 6 है कि नहीं है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, इफ मैप डॉट कंटेन्स, माने क्या ये 6 कंटेन करता है, एंड मैप डॉट टारगेट दिस इज नॉट इक्वल्स टू आई। अभी देखो ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ना देखो क्या बोल रहे हैं, देखो दो चीजें हैं। अब सब एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा लेके देखती हूँ, सपोज 7 है, अभी देखो अभी इसमें 7 ऑलरेडी पड़ा है ना, जब हम लास्ट इंडेक्स पे आएंगे तो मेरे पास 7 होगा। अगर मैं इसको बोलूंगी 14 माइनस 7 को देख के ला क्या है, तो वो इसी 7 को बोल देगा हाँ है, लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक नंबर को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये चेक करता है कि क्या जोन से आरे इंडेक्स पे मैं हूँ, क्या ये वही सेम आरे इंडेक्स को तो नहीं मेरे मैप में से लेकर आ रहा वापस, ये उसको चेक करता है। वापस सुनो कि क्या आरे के मैं जोन से इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ जिसको मैंने अपना फर्स्ट नंबर मार्क करा हुआ है, ऐसा तो नहीं सेम इंडेक्स को ही ये मैप से फेच करके ला रहा है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेकेंड कंडीशन हमने लगाई है। पहली कंडीशन क्या है कि टारगेट में से करंट नंबर को माइनस करो, देखो वो वाला नंबर मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो की है कि नहीं, एंड अगर वो है तो क्या ये सेम तो नहीं है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ट्रू हो जाती है, मतलब आपको आपके रिक्वायर्ड दोनों इंडेक्सेस मिल गए, दोनों इंडेक्सेस को स्टोर कराओ और रिटर्न कर दो, नहीं तो आगे चलते जाओ। अगर एंड आ गया, अरे खत्म हो गया, मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये हो गया, अब इसमें देखो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ये जो है हमारा ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा था पहले, जिसमें मैंने सब कुछ स्टोर करा है, वापस मैं मैथ, मतलब देखो ना इसमें भी तो आप लास्ट तक जाओगे ना, आरे में पूरा आरे ट्रैवर्स करो तो ऑर्डर ऑफ एन, तो जब ये जब सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब ये मत सोचना कि दी अगर सबसे पहले वाले में ही मिल गया तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई ना, वो आपकी बेस्ट केस हो गई, बट हम सिर्फ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या हो गया, इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन, इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 2n होता है, जो कि आपका ऑर्डर ऑफ एन ही होता है, पर यहाँ पे मैंने 2n2 लिखा, मैं आपको बताती हूँ। एंड यहाँ पे देखो मैंने एक एक्स्ट्रा हैश मैप भी लिया है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब जो ना ये 2n है ना, इस मतलब देखो कहने को ऑर्डर ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ एन सेम ही होते हैं क्योंकि 2 एक कॉन्स्टेंट है, बट क्यों ना हम इसको और ऑप्टिमाइज करें, हम इसको क्यों ना ऑर्डर ऑफ एन एग्जैक्टली में ही करें, थोड़ा सा सोचो, एक बार वीडियो को वापस पॉज करो, थोड़ा सा सोचो कि हम कैसे एक इन दोनों में से एक आइटरेशन कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इन दोनों में से एक आइटरेशन कैसे बचेगी। अभी देखो हम ऊपर क्या कर रहे थे, पहले मैंने सब कुछ डलवाया, फिर मैंने इन्हीं नंबर्स को पकड़ के चेक करा। अभी ऐसा इमेजिन करते हैं कि जब मैं डलवा रही थी ना, तो मेरे पास ना पहले सबसे पहले आया 80, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट पे चेक करूं कि 14 माइनस 8 है कि नहीं है, इसको 6 नहीं मिला ना, कुछ नहीं होता, आगे चलते हैं। फिर मैंने डलवाया 1,1, अगर मैं अभी चेक करूं 13 है कि नहीं है, नहीं है। अब मैंने डलवाया 2, अब मैं चेक करती हूं 12 है कि नहीं है, नहीं। अब मैंने डलवाया 5, अब मैं चेक करती हूं कि मेरा 9 है कि नहीं है, इसने बोला नहीं है। आप बोलोगे दीदी तो गलत हो गया, लेकिन इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो अब मैं जब डालूंगी 3 में से 11 नहीं है, अब जब मैंने 9 डाला ना, तो उसने क्या बोला, 14 में से 9 हटाओ 5, तो 5 आ गया, करेक्ट। ऊपर क्या लिखा था, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर नहीं मैटर करता है, पहले वाला नंबर दूसरा नंबर को कुछ भी ऑर्डर रख सकते हो। तो क्या है, हमें दो बार नहीं चलाने की जरूरत है फॉर लूप,
हम डालते भी जाएंगे और साथ में चेक भी करते जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि आप पहले को उठा के दूसरा ढूंढो या दूसरे को उठा के पहले ढूंढो, बात तो एक ही है ना। तो देखो इसमें हमने यही करा हुआ है कुछ। मैंने सबसे पहले देखो क्या करा, मैंने पहले मैंने चेक करा कि क्या जो है ऑलरेडी कंटेन करता है तो बढ़िया, भेज दो, रिटर्न कर दो, नहीं तो इसको पुट कर दो। आप इसको ऊपर भी रख के कर सकते हो, बस ऊपर अगर रखोगे ना तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी ना ये रख लेना, क्योंकि अगर आप ऊपर रखोगे ना मैप डॉट पुट को तो 7 और 7 वाला केस बन सकता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन और रख लेना, अगर इसको ऊपर रखते हो मैप वाली लाइन को, इफ से ऊपर रखते हो, अगर मैप वाली लाइन को नीचे रखते हो तो इसकी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरा 7 आएगा भी नहीं आएगा ना तो वो उसको पहले अंदर मैप में तो कोई 7 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने 7 को अंदर डाला नहीं है, तो वो वाली चीज आपकी बच जाएगी। तो इसमें क्या है, मैंने एक और अपना इटरेशन कम कर दिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे 4 तरीकों से कर सकते हो। अब सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को सोचते हो सबसे पहले उसका एकदम बेसिक अप्रोच सोचा करो कि एकदम आपका दिमाग क्या बोल रहा है, एंड धीरे धीरे हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करा करो कि कैसे आप इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे आप टाइम बचा सकते हो, कैसे आप स्पेस बचा सकते हो। इसके लिए आप डिफरेंट, अगर आप अपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज ना धीरे धीरे इन टाइम आपको समझ आने लग जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।